friends, we have started the lesson how to plant leaves. Previous lecture में हम nutrition start कर चुके हैं. Nutrition basic requirement होती है life के लिए. तो उसमें हमने एनिमल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था. फर्स्ट था जैसे हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स. में इनमें से इस तरह से कैटेगराइज किया गया है कि कुछ जीव तो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और कुछ जीव या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते हैं. तो उसी बेसिस पे हम दो डेफिनेशन और लिखते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स वर्ड ऑटो और ट्रॉप दो वर्ड से मिलके बना. ऑटो का मतलब होता है बाइसर और ट्रॉप्स मीन्स होता है नर्सरीमैन. मतलब क्या है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं फ्रॉम दी रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग. तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? दो एलिमेंट्स या एनिमल्स की बजाय हम ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं. ऑर्गेनिज्म which generate their own food by itself from raw material. Are called autotrophs. Autotrophs क्या होते हैं? जो कि कच्चे सामान से अपना भोजन बाइसेल्फ तैयार कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? autotrophs. जैसे एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट अपना जो फूड है वो अपने आप सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपने आप जनरेट करते हैं. ग्रीन प्लांट एल्गिया कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपना वजन खुद बना सकते हैं. इसी तरह से फिर आते हैं हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स का मतलब है हेट्रो दो वर्ड से मिलके बना है. हेट्रो और ट्रॉप. हेट्रो मतलब अदर्स और ट्रॉप्स मतलब जो कि निर्भर करता है, जो नर्समेंट के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करता है. दो ऑर्गेनिजम्स which cannot generate or synthesize their own food by itself. And depends on autotrophs. Are called heterotrophs.
जैसे वुमेन एग्जांपल के लिए, वुमेन है या और बहुत से पशु हैं, एनिमल्स हैं काफ़ी सारे जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं एक्सेप्ट। इस तरह से हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, और जो अपने भोजन की रिक्वायरमेंट के लिए ऑटोट्रॉप्स के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन क्लासिफाई या न्यूट्रिशन ऑन द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देयर मे बी टू टाइप्स There may be two types of nutrition. First है हमारे पास autotrophic न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकंड है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर अवन फूड बाय सेल्फ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच green plant make their own food by self, it's called autotrophic nutrition. दूसरा है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द mode of nutrition in which all non-green plants, green plants and animals draw their food from autotrophs. Called heterotrophic nutrition.
The mode of nutrition in which non-green plants and animals draw their own food from the